दोस्तों, साथियों, सज्जनों ते बेलियों, अस्सलामुअलैकुम। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक के पोट में हमारा पालक किस तरह तैयार हो चुका है और अब हम इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए हार्वेस्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा ग्रो हुआ है और फिर इसके बाद इस पालक में दोबारा पत्ते निकल आएंगे। और ये देख सकते हैं कि पालक कितना शानदार पालक, ये आप देखें कि ये तैयार हो गया है। इसके बेहतरीन पत्ते ये तैयार हुए हैं और हम इसे ये आराम से इस्तेमाल करेंगे और ये सारे पत्तों को ये काट लेंगे और फिर ये सब्ज़ी पकाने में आलू पालक या पालक गोश्त जो कुछ भी है वो हम इसे अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। ये पालक बेहतरीन पालक है और ये आप देख सकते हैं कि कम जगह में आप इस पालक को बोतलों में भी लगा सकते हैं। और ये आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पालक लगाने का क्लिप दे दूंगा जो मैंने बोतलों में लगाया था। आप ये देखें कि ये पालक बेहतरीन, ये कितना बेहतरीन पालक तैयार हुआ है। और घरों पे सब्जियां लगाना और पालक लगाना कितना आसान है, जो कि आप समझ सकते हैं कि पालक के पत्ते आप चाहे इसे पकौड़े बनाएं, आप पालक गोश बनाएं, आलू पालक बनाएं, ये आपके अपने ऊपर है। ये आप ये देखें कि ये प्लास्टिक के एक पॉट में पालक उगाया था और इसकी कोई ये मुश्किल नहीं था। इसकी जड़ें, जो कि हम बाज़ार से पालक लाया था, उसकी जड़ें बच गई थी, वो मैंने इसमें लगाया था। और अब ये देखें कि पालक बिल्कुल तैयार है और हम बहुत आसानी से इस पालक को काट कर अपने घर में आज हम पकाएंगे। और आज हमारा इरादा आलू पालक पकाने का है, ताकि ये आप देखें कि ये पालक बेहतरीन पालक बन के तैयार हुआ है। और ये देखें, ये दूसरे पॉट में भी ये पालक कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये पालक देखें कि इस पॉट में भी ये पालक, ये देखें कितने बेहतरीन इसके पत्ते निकले हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में ये पालक डेवलप हुआ है। माशाल्लाह, आप ये घर में खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी जो भी चाहे आप सब्ज़ी लगाएं, आपके घर का फ़ायदा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें बेचारे अभी जॉब नहीं मिली है, अगर वो घर में अपने घर की छत पर या किसी जगह सब्ज़ियाँ लगाएं, तो उनके लिए बहुत आसानियाँ हैं और वो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है उन्हें। क्योंकि एक तो घर से ताज़ा सब्ज़ी मिलती है और ना इसमें कोई केमिकल खाद का वो ख़दशा होता है और ना इसके अंदर कोई गंदे नाले का पानी शामिल होता है। और इतनी, आप यकीन मानिए कि ये इतनी लजीज पकता है, जो कि बाज़ार की सब्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं होता। आप इस पालक को अभी हम ये काट रहे हैं, इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये घर में हम पका सकें। और जितना भी पालक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा तैयार हुआ है। ये मैं बोतलों में भी मैंने ये पालक लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बोतलों में पालक लगा हुआ है। और ये भी इंशाल्लाह जल्द ही तैयार हो जाएगा और ये हम इसे फिर बासानी इस पालक को घर के इस्तेमाल में लाएंगे। घर की इससे बचत भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी। आप यकीन जानिए कि इस पालक को आप लगाकर जितना आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, शायद आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह आप सबकी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन।